Assalamualaikum. My name is Duam. Today we discuss about cellular organization of plants and animals. Cell तमाम living things का एक structure और functional unit है. Cell organelles. Cell membrane, cytoplasm, nucleus, vacuoles, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes और Golgi apparatus. ये दोनों cells plant cell और animal cell में पाए जाते हैं. लेकिन centrioles सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है. सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है अपने काम की वजह से. ये कई मटेरियल्स को सेल में आने की इजाज़त देती है जो सेल के लिए यूजफुल होते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन है और ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है. ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं. ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. ये भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस ये प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस थोड़ा सा सेंटर में होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर थोड़ा सा सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर साइड पे चल जाता है वैक्यूल की वजह से. और ये ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा होता है सेल के. वैक्यूल स्मॉल से होते हैं एनिमल सेल के अंदर और ये बहुत ज़्यादा होते हैं एनिमल सेल में. और ये इसके अंदर फूड, वाटर और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है. लेकिन प्लांट सेल का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है तो उन्हें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल सेंटर के अंदर आ जाता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी ज़्यादा साइड पे हो जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी कहलाते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सेल के तमाम ऑर्गेनाइज को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है. एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल्स होते हैं जिनसे तमाम चीज़ें गुजर के जाती हैं. ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम न्यूक्लियोलस से प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोटीन तैयार करते हैं और ये दोनों सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. गॉल्जी ऑपरेटर्स थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर जब राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करते हैं तो ये प्रोटीन पैक इधर होती है गॉल्जी ऑपरेटर्स में और सप्लाई भी इधर से ही होती है. सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस के साथ होते हैं और ये सेल की डिवीजन में मदद करवाते हैं. सेल वॉल एक और आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर. ये सख्त मटेरियल सेलुलोज से बनी होती है जिसकी वजह से प्लांट सेल की एक क्यूबिक शेप होती है और एनिमल सेल रेगुलर शेप में होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल नहीं होती. क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क लाइक शेप में होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लास्टिड्स में खाना स्टोर होता है एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स के अंदर ही हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल फुल ऑफ वाटर होता है तो जिसकी वजह से प्लास्टिक में खाना स्टोर हो जाता है. प्लाज्मा डेस्माटा सेल वॉल के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक पैसेजेस होते हैं. थैंक्स.